ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन टिकट कैसे बुक करें और साथ में बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं आप लोगों को सामने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं और साथ में बोर्डिंग पॉइंट आप किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहां पे सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। सर्च करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिल करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सिंपल हमें प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें टिकट बुक करना है दिल्ली से सिवान के लिए। तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो टूर अवर दसान ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली से जा रहा है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर हमें सिवान सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। तो हमें मार्च में जाना है 26 तारीख को, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 26। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट आ रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद नीचे की तरफ आएँगे और यहाँ पर देख सकते अवध आसाम स्पेशल ट्रेन है जो कि 7:25 पुरानी दिल्ली से खुलने वाले हैं और सिवान 2:25 में छोड़ने वाले हैं रात को। तो इस ट्रेन में हमें बुक करने हैं 2S क्लास में। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं 2S में यहां पे वेटिंग चल रहा है, यानी कि वाइस वेटिंग चल रहा है। तो सीधे हम देखते हैं यहां पे किस रूट से ट्रेन जाता है। ये ट्रेन जो है आगे से बनकर चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लालगढ़ जंक्शन से बनकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लालगढ़ से सिवान के कोटा में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे दिल्ली की जगह पे यहाँ पे हम लालगढ़ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद डेट ऑफ जर्नी हमें सेम 26 मार्च ही रहने देना है। फिर से हम ट्रेन सर्च पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 170 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें करना क्या, सिंपल क्लास पे सेलेक्ट करेंगे 2S पे। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एग्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही चेंज बोर्डिंग पॉइंट का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हमें बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें जो सेलेक्ट करना है पुरानी दिल्ली सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पुरानी दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि अब यहाँ पर देख सकते हैं 7:25 पर है। सिंपल जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर पुरानी दिल्ली सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी दिल्ली से जो हम बैठेंगे यहाँ पर 26 मार्च को मॉर्निंग में और 28 मार्च के उतर जाएंगे। तो इसके बाद सिंपल क्या करना है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पैसेंजर डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे अशोक कुमार, अशोक पंडित के नाम से मैं टिकट बुक करना है। अशोक पंडित मैं सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद एज सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे 29 सेलेक्ट करता हूँ, मेल फीमेल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आपको जाना है। तो सिंपल हमें बिहार जाना है तो बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड फिल करना है तो मैं पिन कोड फिल कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ दिल्ली का ही पिन कोड सेलेक्ट हो गया लेकिन आपको बिहार को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है। रिव्यू जोनी जिले डिटेल पर क्लिक करना है। तो जब भी आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज करेंगे तो एक बात को ध्यान रखना है। तब जैसे कि देख सकते हैं हमें 26 तारीख का टिकट बुक करना था लेकिन जैसे ही बोर्डिंग पॉइंट चेंज किए थे यहाँ पे हमें 27 मार्च आ चुका है। तो आप लोग जब भी टिकट बुक करेंगे तो यानी कि ये 26 तारीख के डेट के बुक करेंगे तो आपको ये सॉरी 25 तारीख के डेट के बुक करेंगे तो यहाँ पर आपको 26 तारीख का बुक होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चर फिल करना है तो कैप्चर मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यस करता हूँ। देख सकते हैं मैं पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है फर्स्ट ऑफ, सेकेंड में आपका मल्टीप्ले पेमेंट ऑप्शन का आता है, थर्ड में आपको फेलियर का आता है। तो ज़्यादातर मैं जो यूज करता हूँ पेटीएम वॉलेट यूज करता हूँ। तो पेटीएम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ का हमारे मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे हैं। OTP जैसे ही फिल करेंगे इसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा टिकट जो है यहाँ पे बुक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप टिकट बुक करते हैं तो बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं।